हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त कामरान और मैं आज आपको एक इमेज का बैकग्राउंड डिलीट करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं इमेज की तरफ। ये एक मैंने इमेज डाउनलोड की है इंटरनेट से, इसका मैं आपको बैकग्राउंड डिलीट करना सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप से। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। मैं फ़ोटोशॉप CS6 इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके पास जो भी वर्जन है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल बैकग्राउंड के लिए, जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है ये रखी हुई है। इसको हम फोटोशॉप पे खोल लेते हैं राइट क्लिक करके, फ़ोटोशॉप को सेलेक्ट करके इसको हम खोल लेते हैं फ़ोटोशॉप पे। तो ये आ गई है आपकी इमेज। अब क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, इसको हमने राइट डबल क्लिक करके इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमने ये सिलेक्शन टूल लेना है और इसके बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। आपने देखा कि ये कुछ सिलेक्शन हो गई। फिर हमने दोबारा इसको क्लिक करना है, फिर दोबारा क्लिक करना है जहाँ जहाँ ये बैकग्राउंड है वहाँ वहाँ हमने इसको क्लिक करते रहना है जब तक कि ये पूरा प्रॉपर सही तरीके से सेलेक्ट ना हो जाए। अब देखें ये काफ़ी हद तक बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट हो गया। मैं इसको इन्वर्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई के दबाकर और फिर मैं इसकी मास्किंग कर दूँगा। ये देखें आपके सामने है रिज़ल्ट, बिल्कुल अच्छी तरह बैकग्राउंड जो है इसका वो मिट चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में से इसको सेट कर लेंगे। इसके फीडर्स जो हैं वो बंद कर दिए मैंने। इसकी जो इस प्रॉपर्टी में आके हम ब्लैक या आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से सही रहेगा। रेडियस इसको ये दे दिया, स्मूथनेस इसको ये दे दिया, ठीक है सर। अब हमने इसको ओके किया। अब ये हमारा इमेज कट चुकी है। अब हम इसे चाहे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगा। इसको सेव फॉर वेब करेंगे, फाइल में आके और यहाँ से हम इसको PNG 24 सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी। अब हम इसको सेव कर, अब हम इसको चल के देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इमेज हमारी जो है वो कट चुकी है। तो ये था ये बैकग्राउंड इमेज को काटने का आसान तरीका। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह।